सभी को नमस्कार। सबसे पहले आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सविनी हूँ। मैंने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए की उपाधि प्राप्त की। आजकल मैं अतिथि शिक्षक के रूप में शिल्पकौन विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाती हूँ। 14 सितंबर हिंदी दिवस मनाने के अवसर पर मुझे हिंदी में कुछ बोलने का मौका मिला, तो आज मैं हिंदी और मेरी मातृभाषा थाई भाषा के बारे में बोलूंगी। शायद आपने बहुत सुना होगा कि थाई और हिंदी के कई सामान्य शब्द हैं, शब्द समान है और अर्थ समान है, लेकिन उच्चारण थोड़ा अलग है। जैसे आचार्य थाई में आचान, उद्यान थाई में उद्यान, व्यंजन थाई में व्यंजना इत्यादि। तो आज मेरा हिंदी और थाई के समान शब्द का एक संकेत है जो प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि दो अक्षर का शब्द हिंदी में हमेशा आ स्वर का उच्चारण करते हैं और थाई के दो अक्षरों के शब्दों में हमेशा ओ स्वर का उच्चारण करते हैं। उदाहरण के लिए फल फ और ल हिंदी में फल बोलते हैं, जबकि थाई भाषा में फ और ल मिलकर फोन बोलते हैं। हिंदी का फल और थाई का फोन दोनों का अर्थ समान है। दूसरा शब्द है रस, र और स हिंदी भाषा में रस बोलते हैं, जबकि थाई भाषा में र और स मिलकर रोट बोलते हैं। रस और रोट दोनों का अर्थ समान है। और एक उदाहरण है यश, य और छ हिंदी भाषा में यश बोलते हैं। अभी आपको पता होगा यश थाई भाषा में क्या बोलते हैं। हाँ, योश बोलते हैं। य और छ मिलकर योट बोलते हैं थाई में। दोनों शब्द का अर्थ समान है, यश और योट। इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि जब हिंदी मातृभाषा के लोग थाई भाषा पढ़ना चाहते हैं या थाई मातृभाषा के लोग हिंदी पढ़ना चाहते हैं, अगर वे इस छोटे संकेत को समझते हैं, तो ये संकेत उन्हें हिंदी भाषा या थाई भाषा पढ़ने में मदद करेगा। दोनों भाषा पढ़ने में आसान बनाना होगा। ये संकेत उपयोगी है। धन्यवाद।